गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, है ना। तो आपने पहले पढ़ चुके हो फाइबर पढ़ चुके हो कि नहीं। फाइबर हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं, जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से मीन्स प्लांट्स या फिर एनिमल से, है ना। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है वो दूसरा फाइबर क्या होगा, दैट आर सिंथेसाइज फ्रॉम केमिकल्स एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। जो केमिकल के थ्रू क्या मैन मेड होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल देखें जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या होगा, कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स आर नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स हो, ये तो तुम्हें सबको ही पता है कि फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स कौन से होते हैं, वुल एंड सिल्क, है कि नहीं। तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वुल कैसे होता है, बेसिकली आर टू काइंड्स ऑफ हेयर इन फ्लीस, ठीक है। दो तरह की होती है, एक तो कैंप, दूसरा सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट मेक्स अ वुल अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और क्या होती है, वुल जो होती है वो क्या होता है, गुड इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, ओके। तो मतलब कि बॉडी जो हमारी बॉडी से हीट है वो क्या होगी, बाहर भी नहीं जाएगी और बाहर की हीट हमारी बॉडी में भी नहीं आएगी। तो क्या होगा इससे, ये क्या होगा, जब हम इसको क्या पहनते हैं, वुल को सर्दियों में पहनते हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या होगी, सर्दी नहीं लगेगी, है ना। तो क्वालिटी ऑफ फाइबर डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, एक तो उनकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, दूसरा एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। द एज एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड करता है। तो वो क्या होगा, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होगा और सुपीरियर क्वालिटी का होगा वुल। द एनवायरमेंट पे भी क्या डिपेंड करता है, इन विच द एनिमल हैज बीन लिविंग, मतलब कि वो हॉट में रहते हैं या कूल में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं या फिर गर्म जगह में रहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है द पार्ट ऑफ द बॉडी एनिमल फ्रॉम विच वुल इज बीइंग शियर्ड, ठीक है। वुल फ्रॉम द शोल्डर रीजन एंड द अंडर बैली ऑफ शीप इज बेटर देन द फाइबर फ्रॉम द बैक ऑफ एनिमल, ठीक है। तो उसके पार्ट पे किस पार्ट से एनिमल के वो वुल निकाला गया है, तो उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वुल किससे, शीप से मिलता है हमें, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है, लैमा से मिलता है, कैमल से मिलता है, एल्पेका से मिलता है, ठीक है, मिंक एंड फ्रॉम सम अदर एनिमल्स। मोस्ट सम सोर्स ऑफ वुल इज शीप, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुल्स, अलग अलग तरह के एनिमल से जो हमें मिलते हैं वो क्या होंगे, अलग अलग उनका नाम रखा गया है। जैसे कि लैम्स वुल जो होता है वो बेबी शीप से हमें मिलता है, ठीक है, बेबी शीप से हमें मिलेगा। और वो क्या होगा, द फाइबर इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, लॉन्ग एंड हाईली क्रिम्पल्ड, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो जो क्या होगा, सॉफ्ट होगा और ये सुपीरियर क्वालिटी का वुल होगा। नेक्स्ट जो सॉफ्ट वुल होता है, सॉफ्ट वुल किससे मिलता है हमें, एडल्ट एंड हेल्दी शीप से मिलता है। रफ वुल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, एज्ड एंड डिजीज्ड शीप, कैमल एंड याक से मिलता है। अंगूरा वुल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, अंगूरा रैबिट से मिलता है, ठीक है। अंगूरा वुल इज टू सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है, क्योंकि इसके हेयर क्या होते हैं, बहुत थोड़ा फ्लफी होते हैं और क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज वॉर्म फाइबर। मोहेर जो होता है वो हमें किससे मिलता है, अंगूरा गोट से मिलता है। दिस वुल इज लॉन्ग एंड स्मूथ, जो ये वाला वुल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग एंड स्मूथ होता है, ठीक है। मेरिनो वुल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, स्पेशल ब्रीड ऑफ शीप फ्रॉम स्पेन एंड नाउ रेयर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, ठीक है। दिस वुल इज exceptionally soft, fluffy and light in weight. Okay, तो Australian merino wool is considered to be of superior quality. जो Australian merino का होता है वो क्या होता है, superior quality का होता है. It is highly crimpled, soft and fine. It gives a smooth and crease resistant texture to the cloth. Pashmina wools, ठीक है, fine wool होता है ये बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा costly भी होता है. Pashmina wool आपने सुना भी होगा कि मम्मा ने पश्मीना शॉल लिया है ना, और पश्मीना के क्या होते हैं, स्वेटर्स वगैरह आते हैं उस वुल के, तो वो बहुत कॉस्टली भी होता है, बहुत क्या होता है, गर्म भी होता है। पश्मीना वुल कम्स फ्रॉम हिल गोट्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, हिल गोट्स से होता है जो कि कहाँ होते हैं, कोल्ड रीजन में होते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड सिल्की वुल। इट इज वैल्यूड फॉर द सॉफ्ट टेक्सचर,
शहतूश, शहतूश जो है वो अब क्या हो गया, बैन हो गया। तिब्बतियन एंटेलोप, चीरू जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसको चीरू कहते हैं, इसकी फ्लीस से मिलता है। ठीक है, चीरू लिव इन आइसी कोल्ड रीजन। चीरू जो कहाँ होता है, आइसी कोल्ड रीजन में होता है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट चीरू इज किल्ड फॉर ऑब्टेनिंग शहतूश वुल। तो ये क्या बिलीव किया जाता है कि उसके वुल को, क्या वुल को ऑब्टेन करने के लिए चीरू को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, और उसके सेल, परचेज एंड यूज ऑफ शहतूश को अब बैन कर दिया, अब वो नहीं कर सकते। फ्लीस फ्रॉम याक इज रफ एंड थिक, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड रग्स। क्योंकि ये क्या होता है, थिक होता है और रफ होता है, तो इसलिए इसको क्या, इसको क्या बनाने में यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स और रग्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एल्पेका लेमा आर सॉफ्ट वॉर्म एंड लाइट वेट। कैमल वुल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रग्स, शॉल्स, स्टोल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर डायग्राम फिगर भी बने हुए हैं। शीप कब है, ये अंगूरा गोट है, अंगूरा रैबिट, देखो आपको कैसे फ्लफी फ्लफी दिख रहा है। ये क्या एल्पेका है, ये याक। ओके, एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर वुल। वुल के लिए क्या करते हैं, बहुत से शेफर्ड जो होते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री में, क्या करते हैं उनको, क्या रेयरिंग करी जाती है उसकी। ठीक है, किसकी, एनिमल्स की। तो जो दीज एनिमल्स ग्रेज ऑन ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम श्रब्स। ठीक है ना, दे आर ऑल्सो फेड ऑन शीट्स, सीड्स, ग्रेन्स एंड ऑयल केक, सिंस दीज प्रोटीन रिच फूड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर बेटर ग्रोथ। उनको क्या प्रोटीन रिच फूड देते हैं जिससे कि वो, उनकी क्या हो, ग्रोथ क्या हो, बहुत अच्छी हो। ग्रोथ अच्छी होगी तो उनके क्या होंगे, हेयर भी अच्छे होंगे, हेयर अच्छे होंगे तो वो क्या होंगे, उनको बहुत अच्छे से वूल मिलेगी, है ना। अब प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस कैसे होती है, फ्लीस की प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्या, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीज फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप। इस प्रोसेस, किस प्रोसेस को कहते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लीज फ्रॉम द स्किन, स्किन से फ्लीज को रिमूव करने को कहते हैं। ठीक है, और ये फ्लीज को कब रिमूव करेंगे, जब क्या समर क्या स्टार्ट होने लगेगा, क्योंकि सर्दियों में करेंगे तो उनको भी क्या होगी, ठंड लगेगी, लगेगी कि नहीं। तो इस तरह से वो तब तक जब सर्दियाँ आएंगी तो दोबारा से उनके हेयर ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑयल हमारे उनकी बॉडी में क्या होता है, सारे ऑयल और ग्रीस लगा होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो वॉशिंग और स्कोरिंग, शेयरिंग के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग और स्कोरिंग। द फ्लीस व्हेन ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कवर्ड विद एन ऑयली लेयर कॉल्ड योक। योक कहते हैं इसको। ठीक है, द फ्लीस इज देन वॉश टू रिमूव डर्ट, ड्राइड, पर्सपिरेशन एंड द योक, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, इसको धोना, इसको वॉश करना, इसको क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। आफ्टर वॉशिंग, उसके बाद वॉशिंग करने के बाद क्या होगा, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर रिमूव्ड मैनुअली फ्रॉम द फ्लीस। उनको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्स दैट यू समटाइम्स सी इन योर स्वेटर, स्वेटर्स में दिखते हैं ना, जिसमें वो छोटे छोटे वो हो जाते हैं बर्स। ठीक है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और उसके बाद वॉशिंग और स्कोरिंग के बाद क्या होता है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। वो कैसे करते हैं, द वैरायटी ऑफ वुल डिफर्स विद द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप। होती है ना, अलग अलग वुल जो होगी वो अलग अलग ब्रीड के अलग अलग क्या होंगे, वुल होंगी, उसकी वैरायटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, होगी कि नहीं होगी। ऑल्सो द फ्लीस ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम शीप डिफर इन लेंथ, फिटनेस, है ना, सॉफ्टनेस, फाइननेस, सॉफ्टनेस एंड स्ट्रक्चर, सारे अलग अलग होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ फाइन होंगे, है ना। तो उनको अलग कर दिया जाता है। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द शोल्डर्स, जो शोल्डर से मिलते हैं, एंड अनडिजायरेबल ऑफ द एनिमल्स इज सुपीरियर टू द वुल एट इट्स बैक। ठीक है, दस आफ्टर स्कोरिंग द फ्लीस इज सॉर्टेड एंड ग्रेडेड बाई हैंड इन टू सेपरेट पाइल्स। ठीक है, और फिर उनको क्या करते, अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कार्डिंग और कॉम्बिंग, इसमें क्या होगा, द फाइबर्स आफ्टर सॉर्टिंग एंड अनटेंगल्ड दे आर पास्ड थ्रू द रोलर्स, रोलर्स में पास किया जाता है। दे रोलर, द रोलर्स आर कवर्ड विद द फाइन शीट ऑफ क्लॉथ हैविंग थिन वायर टीथ। जैसे कॉम की टीथ होती है ना, वैसे जैसे कॉम होती है उसी तरह की क्लॉथ हैविंग थिन वायर टीथ होती है, जिससे कि क्या होगा, द टीथ ऑन रोलर्स अनटैंगल द फाइबर्स एंड रोल द फाइबर्स आउट इनटू द फ्लैट शीट कॉल्ड द वेब। द वेब इज देन ड्रॉन इनटू नैरो रोप्स ऑफ द फाइबर, और वो उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कॉम करते हैं उसी तरह से इसमें किया जाता है।
उसके बाद क्या होगा, कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद क्या होती है, स्पिनिंग होती है, ठीक है। स्पिनिंग से क्या होगा, द नैरो स्ट्रैंड्स आर पास थ्रू स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन में क्या करते हैं, स्ट्रैंड्स को डाल दिया जाता है, वेयर द स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड एंड मेड इन टू यान। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ट्विस्ट हो के वो क्या बनेगा, यान बनेगा। यान इज अ कॉन्टिन्यूस थ्रेड ऑफ फाइबर मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ फाइबर, इट इज यूज फॉर इधर वेविंग और नेटिंग। और अब ये क्या है, किसके लिए तैयार है, वेविंग एंड और नेटिंग के लिए तैयार है। उसके बाद ये क्या होगा, डाइंग, अलग अलग कलर के होते हैं, है ना। तो देखो शेयरिंग ऑफ शीप इस तरह से होता है, वॉशिंग, सॉर्टिंग ऑफ फाइबर, उसके बाद डाइंग ऑफ फ्लीस, उसके बाद क्या, स्पिनिंग क्या बन गया, थ्रेड बन गया, ठीक है, कार्डिंग ऑफ फ्लीस, ठीक है, वेविंग एंड निटिंग किस तरह से होगा। अब जब हम वेविंग करेंगे तभी क्या हमें कपड़ा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा, तो हम क्या उससे क्या ड्रेसेस बना सकते हैं, है ना। तो यान में भी डाइड, उसके बाद क्या होगा, डाइड होगा, क्योंकि वो डिजायर्ड कलर में हम उसको डाई कर लेते हैं, ठीक है। अब वेविंग करके फैब्रिक और मेकिंग बॉल्स आउट ऑफ इट ऑफ 3 और 4 प्लाई निटिंग वूल, उसके बाद क्या है, वेविंग। वेविंग क्या होता है, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फैब्रिक इज मेड फ्रॉम वुल, वुल से होता है। दीज फैब्रिक्स आर ट्विड, फ्लैनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, वेविंग से बनती हैं, ठीक। द वैरायटी ऑफ वुल एंड क्लॉथ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ फाइबर इन द यान एंड द नंबर ऑफ ट्विस्ट गिवन टू मेक थ्रेड आउट ऑफ इट। अब तुम्हारी मम्मा ने कभी देखा होगा तुमने कि मम्मी क्या है, स्वेटर बना रही है, तो उसको क्या कहते हैं, नेटिंग कहते हैं। नेटिंग में भी क्या करती है कि अलग पतली ऊन है तो क्या पतली वो लेंगी, है ना, वो क्या कहते हैं इसको, सिलाई जो होती है, ठीक, नीडल। और अलग अलग तरह से अलग अलग बना करती हैं, नेटिंग करती हैं कि नहीं, और फिर तुम्हारी स्वेटर, अच्छे अच्छी स्वेटर्स बनाती हैं सर्दियों में, है ना। तो नेटिंग होता है ये, नेटिंग वुल इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ सिंगल यान, पुलोवर्स, वेस्ट, सॉक्स, ये सब किससे बनता है, नेटेड, नेटेड करने से बनता है, ठीक है, नेटिंग करने से। नेटिंग जो है वो अब हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वुल इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो मोस्ट कैटल सफर फ्रॉम एंथ्रैक्स डिजीज़, ठीक है, एंथ्रैक्स डिजीज़ किससे होती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है एंथ्रैक्स डिजीज़ का, होता है बैक्टीरिया, ठीक है। पीपल वर्किंग इन द वुल सॉर्टिंग डिपार्टमेंट आर एट हाई रिस्क, उनको के लिए, उनके लिए क्या होता है, हाई रिस्क होता है, क्योंकि वो क्या एंथ्रैक्स से इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वो अब क्या इन्फेक्ट हो सकते हैं एंथ्रैक्स से, क्योंकि कट्स और एनी ओपन वन ऑन देयर बॉडी स्पेशली ऑन हैंड्स, और वो हैंड्स के थ्रू बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, उनकी बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी से क्या हो जाएगी, उनको डिजीज हो सकती है, कौन सी डिजीज, सॉर्टर्स डिजीज, ठीक है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है किसका, वूल इंडस्ट्री का। बाकी हम पढ़ेंगे कल सिल्क, ठीक है, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।